Assalamualaikum. This is our lecture 15, and in this lecture, inshallah, we will learn about the tools of monetary policy first. That what are the tools of monetary policy through which central bank manage money supply in the economy. And after that, we will study about the reserve market. Tools of monetary policy ki jo hai wo hum kafi time pehle se bhi jo hai wo padhte hue aa rahe hain. मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में हमारे पास जो मेन टूल्स आते हैं वो तीन टूल्स हैं. फर्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड डिस्काउंट विंडो पॉलिसी एंड थर्ड इज रिजर्व रिक्वायरमेंट. इन टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली सेंट्रल बैंक के जो हैं वो कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यूजुअली जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट. अब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो ऐसे गोल्स हैं जिनको एक साथ जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आप इन्फ्लेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कुछ परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी. अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ परसेंट इन्फ्लेशन आपको जो है वो बेयर करनी पड़ेगी. तो अगर उसका मेन गोल जो है वो इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है तो वो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने की पॉलिसीज लगाता है थ्रू दीज टूल्स. और ऐसे टूल्स के थ्रू ऐसा करता है कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन कम हो जाए. जब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, और जब उसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी होती है तो वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है, उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है. उससे क्या होता है कि लोग पैसा डिमांड करते हैं और मनी डिमांड करते हैं तो फिर वो उनकी एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल बढ़ जाती है. फिर ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो फर्म्स लेबर डिमांड करते हैं, तो इस तरह ये पूरा साइकिल चल जाता है जिससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है. तो ये दो गोल्स हैं मेन जो जिनसे जो है वो जिनको ख़त्म करने के लिए या जिनको सही करने के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स सेंट्रल बैंक यूज़ करता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जो है बेसिकली ये क्या होता है, इसमें जो है वो सेंट्रल बैंक बाय और सेल कर रहा होता है सिक्योरिटीज़ को. यानी अगर उसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना और उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ करनी हो तो वो क्या करता है, ओपन मार्केट परचेज करता है. ओपन मार्केट परचेज में वो क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिन जिन लोगों ने, बैंक्स ने, पब्लिक ने ओवरऑल परचेज की नहीं है, उनसे वो परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज़. और परचेज करके ऑब्वियसली उनको क्या दे देता है, पैसा दे देता है. जब उनको जो है वो पैसा दे देता है तो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है. तो ये उसकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है. और अगर उसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी हो, यानी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कम करना हो, तो वो क्या करता है, ओपन मार्केट सेल करता है. और ओपन मार्केट सेल में वो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को जो है वो सेल कर देता है. यानी अब वो लोगों को जो है वो इंसेंटिव्स देता है सिक्योरिटीज़, ताकि वो सिक्योरिटीज़ परचेज करें. और इंसेंटिव क्या होता है कि प्राइसेस कम कर देता है सिक्योरिटीज़ की और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देता है. तो आपको पता है कि जितने भी इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स हैं और मनी जो है उनका आपस में वो क्या मेन उनका डिफरेंस क्या है, कि मनी जो है वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट है, उसको अगर कोई अपने पास होल्ड कर रहा है तो उस पर कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा. लेकिन अगर बॉन्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स, इन चीज़ों को रखने का क्या फ़ायदा है कि ये इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट है, इन पे जो है वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है. तो अगर इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा सिक्योरिटीज़ की तो लोग क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेंगे. जब वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेंगे तो उनके पास सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, पैसा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास. तो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगी. तो इस तरह जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो कभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कभी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्रैक्टिस करता है. इसके बाद सेकंड टूल हमारे पास आता है डिस्काउंट विंडो पॉलिसी. डिस्काउंट विंडो पॉलिसी एक अनदर पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक अनदर टूल है. इस टूल में वो क्या करता है कि देखिए, अगर कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत है तो कमर्शियल बैंक के पास एक तो ऑप्शन होता है कि वो अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंक्स हैं, उनसे वो लोन ले, और एक ऑप्शन उसके पास क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक से जो है वो लोन ले. तो अगर वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है तो सेंट्रल बैंक उसे जिस रेट पे लोन देगा वो रेट कहलाता है आपका डिस्काउंट रेट. तो अब इस
पॉलिसी, ये इस रेट के थ्रू वो किस तरह एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है, कि अगर उसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है या यानी इकोनॉमी में जो है उसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो वो क्या करता है कि वो ये रेट कम कर देता है। अब बेसिकली ये रेट क्या है, बोरोइंग रेट है, जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। जब उसका बोरोइंग रेट कम हो जाएगा तो वो आगे फर्दर भी जो है वो रेट को कम कर देगा। तो मेन चीज़ क्या होती है कि लोन को जो है, लोन लेने का जो प्रोसेस है उसको जो है वो चीपर कर देता है। जब लोन लेने का प्रोसेस चीपर हो जाता है तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती है और इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर उसे कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी करनी होती है तो वो क्या करता है कि इस रेट को जो है वो इंक्रीज कर देता है। और जब ये रेट इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लोन लेना जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, तो लोग कम लोन लेते हैं और इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। अब थर्ड टूल हमारे पास आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक को पता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो वेलफेयर मोटिव है, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, अपने प्रॉफिट को देखते हुए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई को आर्टिफिशियली इंक्रीज जो वो कर रहा होता है उससे किस तरह इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, उसको जो है वो इससे कोई जो है वो परवाह नहीं है, क्योंकि वो जो है वो प्रॉफिट मोटिव है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो उसने वो क्या एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है हर कमर्शियल बैंक पे, कि हर डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कि फिक्स्ड होता है, हर डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है वो आप मेरे पास रखवाएंगे। यानी इसका मतलब कि आप सारा का सारा पैसा, जो सारा का सारे डिपॉजिट्स हैं पूरे के पूरे, वो लोन आउट नहीं कर सकते। ये आपकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कुछ परसेंटेज हर डिपॉजिट का मेरे पास जो है वो रखवाना है। तो इससे क्या होता है कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक को रखवाना पड़ेगा, तो उसके पास कम पैसा बचेगा लोन आउट करने के लिए। तो और अगर उस अगर इकोनॉमी मनी सर्कुलेशन को जो है वो उसने ज़्यादा करना है तो वो क्या करेगा, इस रेट को कम कर देगा। जब इस रेट को कम कर देगा तो लोन आउट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट बचेगा। तो जितना ज़्यादा कमर्शियल बैंक लोन आउट करेगा उतने ही ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इन ये थ्री मेन टूल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं रिजर्व मार्केट पे, द मार्केट फॉर रिजर्व्स एंड द मनी मार्केट रेट। बेसिकली मार्केट, रिजर्व मार्केट जो है यहीं पे मनी मार्केट रेट जो है वो डिटर्मिन हो रहा होता है। अगर अगर आप किसी जगह पे अगर फेडरल फंड रेट देखें तो फिर उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल बैंक जो है ये यूएस का बैंक है। जैसे हमारे पास हमारा बैंक स्टेट बैंक है, इसी तरह यूएस का फेडरल जो है वो बैंक है, तो उसका रेट जो है वो फेडरल फंड रेट कहलाता है। हम जो है वो यूजुअली मनी मार्केट रेट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो बुक भी, चूँकि जो हम मिशकिन की मनी एंड बैंकिंग की बुक है, उसके ऑथर भी जो है ऑब्वियसली फॉरेनर है, तो इसलिए उसने भी जो है वो हर ग्राफ में हर जगह फेडरल फंड रेट की टर्म यूज़ करी है। लेकिन आप जो है वो अपने उसमें देखें तो आपको मनी मार्केट रेट जो है वो यूजुअली यूज़ करना चाहिए। द मार्केट फॉर रिजर्व, ये मैंने बता दिया कि रिजर्व मार्केट वो मार्केट है जहाँ जो है वो मनी मार्केट रेट डिटर्मिन हो रहा होता है। इसी वजह से हम आप सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी मार्केट जहाँ रिजर्व ये जो मनी मार्केट रेट डिटर्मिन हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी डिमांड और सप्लाई पढ़नी है कि डिमांड और सप्लाई उसकी कैसे डिमांड डिटर्मिन हो रही है, कैसे सप्लाई डिटर्मिन हो रही है। तो उसकी इक्विलिब्रियम ही जो इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ डिमांड फॉर रिजर्व और सप्लाई फॉर रिजर्व इक्वल होगी, वहीं जो है वो रेट डिटर्मिन हो रहा होगा। तो इसलिए हम डिमांड और सप्लाई एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हमने अपने स्टार्ट ऑफ लेक्चर में पढ़े थे, वो उनके चेंज होने से जो है वो किस तरह फेडरल फंड रेट या मनी मार्केट रेट जो है इफेक्ट हो रहा होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट फॉर रिजर्व, सबसे पहले तो मैं डिमांड कर्व जो है वो दिखा देती हूँ, ताकि एक ये आपका जो है वो डिमांड कर्व है, जो इसका हाफ पोर्शन जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या है कि फेडरल फंड रेट या मनी मार्केट रेट से रिजर्व डिमांड की नेगेटिव रिलेशनशिप है कुछ पोर्शन तक, और कुछ पोर्शन पे जो वो डिमांड आपकी क्या हो रही है, रिजर्व डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि इस रेट पे आपकी डिमांड इनफाइनाइट है, यानी इस रेट पे डिमांड की मतलब कोई वो लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट डिमांड है।
अच्छा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड और यहाँ परफेक्टली इलास्टिक क्यों हो रही है डिमांड, तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म्स जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे सबसे ऊपर जो सबसे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है और एक सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है और इन बिटवीन जो है आपके पास फेडरल फंड रेट लिखा हुआ है। अच्छा अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है इंटरेस्ट रेट ऑन रिजर्व्स। देखिए पहले क्या होता था, 2008 से पहले ये फेडरल जो बैंक था यूएस का वो जो है वो रिजर्व्स एक्सेस रिजर्व पे कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया करता था। यानी एक्सेस रिजर्व वो रिजर्व्स हैं जो कि बैंक होल्ड करता है इन ऑर्डर टू डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हो रही होती हैं, कोई विड्रॉ करवाने के लिए आ रहा होता है अपने पैसे तो उसके उसको देने के लिए जो है वो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक के पास कोई ना कोई अमाउंट लिक्विडेट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एक्सेस रिजर्व जो है वो नेसेसरी है हर कमर्शियल बैंक के लिए क्योंकि उसको जो है वो कुछ अमाउंट लिक्विडेट फॉर्म में रखना होता है। तो पहले क्या होता था 2008 से पहले के कमर्शियल बैंक्स को इन एक्सेस रिजर्व के रखने पे जो है वो कुछ भी पे नहीं किया जाता था। लेकिन आफ्टर मैनी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि देखिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं बताते हुए आ रही हूँ कि कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करता है वो आर्टिफिशियल पैसा होता है, उसके वो 100 डिपॉजिट के मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएट कर देता है। अब ये चूंकि आर्टिफिशियल पैसा होता है तो अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं अपने पैसे लेने के लिए तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं होता उन्हें देने के लिए, तो ये बैंक का दिवालिया हो जाता है। तो इसी वजह से अगर कोई रूमर फैलता है कि ये बैंक जो है उसके पास पैसा नहीं है तो लोग समझते हैं कि अब हमारा पैसा सेफ नहीं है और सबके सब ये पहुंच जाते हैं हमें पैसा लेने के लिए क्योंकि सबको ये होता है कि हम अपने पैसे जो है वो वापस ले लें, हमारा पैसा जो है वो सेफ हमें मिल जाए। तो जब सबके सब पहुंच जाते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास जो है वो इतना पैसा देने के लिए उन्हें होता नहीं है और फिर जो है वो ये बैंक दिवालिया हो जाता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस इसी तरह आ रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो जब से ये हुआ तब से जो है वो ये फेडरल बैंक ने जो है वो ये क्या रख लिया है, अपना एक पॉलिसी रख ली है कि वो एक्सेस रिजर्व रखने पे भी कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को दे रही होती है। ये बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा था जो फेडरल फंड रेट से जो है वो कम होता है। यानी अगर इसका मतलब बिल्कुल ऐसी है कि अगर कमर्शियल बैंक जो है वो लोन आउट करेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर वो होल्ड करेगा तब भी ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो है वो बैंक स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ने जो है दिया हुआ है कि अगर आप एक्सेस रिजर्व भी रखेंगे अपने पास तो आपको उस पर भी जो है वो पे किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये लोअर लिमिट है इंटरेस्ट रेट्स की, यानी ये सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट होता है जिस जो बैंक्स को मिल रहा होता है एक्सेस रिजर्व रखने पे। फिर आपका एक आता है इंटरेस्ट रेट ऑन डिस्काउंट। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक जो है उससे अगर कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो उसको जिस रेट पे मिलेगा वो डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, और जो हमने टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी में भी जो है वो पढ़ लिया था। और ये इंटरेस्ट रेट ऑन डिस्काउंट जो है वो ये अपर लिमिट है, ये ज़्यादातर फेडरल फंड रेट से ऊपर होता है। तो ये जब तक फेडरल फंड रेट से ऊपर रहेगा, यानी फेडरल फंड रेट से कम है और डिस्काउंट रेट जो है वो ज़्यादा है, तो जब तक फेडरल फंड रेट से डिस्काउंट रेट ज़्यादा रहेगा तब तक कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो सेंट्रल बैंक से बोरो करेगा तो उसे जो है वो जो उसको अमाउंट पड़ेगी वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी, और जो फेडरल फंड रेट अगर मनी अब दूसरे बैंक से अगर वो बोरो करेगा तो उसे चीपर पड़ेगा लोन। तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल बैंक से जो है वो बोरो नहीं करेगा, दूसरे बैंक से करेगा। तो जब तक फेडरल फंड रेट जो है वो लो होता है डिस्काउंट रेट से तब तक जो है वो कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करता। अच्छा अब हम थोड़ा सा जो है वो इसके डिस्क्रिप्शंस पे आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी स्प्लिट अप इंटू टू कॉम्पोनेंट्स। डिमांड फॉर रिजर्व जो है उनको दो पार्ट्स में हमने जो है वो ग्रुप किया है। फर्स्ट है रिक्वायर्ड रिजर्व विच आर इक्वल टू द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन विच रिजर्व आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड रिजर्व क्या है, ये जो हमने पढ़ा है ऊपर कि ये एक रेट है जो जिस पे जो परसेंटेज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व जो है वो डिमांड फॉर रिजर्व का एक पार्ट है। रिक्वायर्ड रिजर्व मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी
जितने डिपॉजिट्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो से, तो वो आपके सारे रिक्वायर्ड रिजर्व्स बता देता है कि टोटल अमाउंट कितना आपको जो है वो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक के पास रखवाना है। दूसरा आपके पास आता है एक्सेस रिजर्व, द एडिशनल रिजर्व बैंक चूज टू होल्ड। ये मैं बता चुकी हूँ कि कुछ जो है वो लिक्विडेट फॉर्म में भी बैंक को रखना होता है अपने पास। अब इन दोनों को प्लस करके जो है वो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स डिमांडेड जो है वो बनती है। अच्छा, अब ये चीज़ वही लिखी हुई है कि पहले जो है वो पे नहीं किया जाता था रिजर्व, इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व जो है वो नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो ये पे किया जाता है। और अगर ये रेट्स जो हैं ये इंटरेस्ट रेट ऑन डिस्काउंट और इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व, ये अपर और लोअर लिमिट है इंटरेस्ट रेट की, और ये जब ही चेंज होते हैं जब सेंट्रल बैंक को कोई टारगेट, जब सेंट्रल बैंक अपना टारगेट चेंज करता है जब ही ये जो है वो अपनी जगह से हिलते हैं, वरना ये एक लिमिट है ये अपर और लोअर लिमिट जहाँ ये अपनी जगह पे रह रहे होते हैं। व्हेन द फेडरल फंड रेट इज अबव द रेट पेड ऑन रिजर्व्स, जब फेडरल फंड रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व से ऊपर होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर मतलब ये वही बात है कि एक्सेस रिजर्व अगर बैंक अपने पास रख रहा है तो उसको क्या कॉस्ट आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो इनकम माइनस जो है वो कर रहे होते हैं कि अगर वो यही काम अगर वो दूसरी तरह करता, यानी वो एक्सेस रिजर्व नहीं रखता, अगर उन्हीं पैसों को जो है वो लोन आउट कर देता तो तब उसे क्या मिलता, और अगर वो एक्सेस रिजर्व रख रहा है तब उसे क्या मिल रहा है। तो अगर वो एक्सेस रिजर्व रख रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व माइनस इंटरेस्ट फेडरल फंड रेट, यानी वो इंटरेस्ट रेट जो उसे लोन आउट करने में मिलता। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि फेडरल फंड रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व से ज़्यादा है, तो उसे कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा है अगर वो अपने पास एक्सेस रिजर्व होल्ड कर रहा है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि व्हेन द फेडरल फंड रेट इज अबव द रेट पेड ऑन रिजर्व्स, देन एज द फेडरल फंड रेट डिक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व फॉल्स। तो बेसिकली इन्होंने पहले ये जो बात करी ये बता रहे हैं कि नेगेटिवली स्लोप पोर्शन की बात कर रहे हैं। नेगेटिवली स्लोप पोर्शन में क्या हो रहा है कि फेडरल फंड रेट जो है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व से। तो अगर किसी वजह से फेडरल फंड रेट जो है वो कम होता है, तो फेडरल फंड रेट कम हुआ तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है एक्सेस रिजर्व को रखने की वो भी कम हो जाएगी। यानी आप इसको जो है वो इस गैप से देख लें कि फॉर एग्जांपल पहले जो है वो फेडरल फंड रेट ये चल रहा था, ठीक है, तो फेडरल फंड रेट ये था और एक्सेस रिजर्व रखने पर जो है वो आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। यानी अगर आपने जो इंटरेस्ट एक्सेस रिजर्व रखे हुए हैं अगर आप उनको लोन आउट कर दें तो आपको कितना मिले, इतना इंटरेस्ट रेट, लेकिन लोन आउट ना करने पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, दिस इंटरेस्ट रेट माइनस दिस इंटरेस्ट रेट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब किसी वजह से अगर आपका फेडरल फंड रेट डिक्रीज हो जाता है, तो फेडरल फंड रेट डिक्रीज होकर अगर ये फेडरल फंड रेट स्टार ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है इस पर आ गया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज हो गई। पहले जो है आप दिस इंटरेस्ट रेट माइनस दिस इंटरेस्ट रेट कर रहे थे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है एक्सेस रिजर्व को रखने की। अच्छा, जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है तो आप क्या करेंगे कि डिमांड फॉर रिजर्व जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपको जो है वो डिमांड, इसीलिए जो है वो आपका रिजर्व डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, कि अगर फेडरल फंड रेट डिक्रीज होता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व भी डिक्रीज होती है, और जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती है तो आप रिजर्व डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम केस है कि इफ हाउएवर द फेडरल फंड रेट बिगिंस टू फॉल बिलो द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन एक्सेस रिजर्व, बैंक डू नॉट लैंड इन द ओवरनाइट मार्केट एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब एक एक्सट्रीम केस आप ये देख लें कि अगर फेडरल फंड रेट जो है वो इतना कम हो जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व से नीचे चला जाता है या इसके इक्वल हो जाता है, नीचे तो बहुत ही कम जाएगा, एक्सट्रीम केसेस में भी इसके इक्वल ही होगा। तो अगर इसके इक्वल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ इसके इक्वल होने का मतलब ये है कि बैंक्स इनडिफरेंट हो गए, वो जो है वो रिजर्व्स को फर्दर लोन आउट करें या फिर जो है वो अपने पास होल्ड रखें, दोनों सूरत में उन्हें इक्वल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर बैंक की मर्जी है वो जो करे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट फेडरल फंड रेट इससे भी नीचे हो गया
अब कोई भी बैंक जो है वो लैंड नहीं करेगा किसी दूसरे बैंक को, क्योंकि उसको जो है उस पर कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सबके सब बैंक क्या करेंगे, अपने पास पैसा होल्ड रखेंगे, क्योंकि पैसा होल्ड रखने पे फिर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसीलिए इस इंटरेस्ट रेट पे जो डिमांड कर्व है वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है, यानी इनफाइनाइट डिमांड है इस इंटरेस्ट रेट पे हमारी, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ऐसा है कि अगर इसके इक्वल आपकी फेडरल फंड रेट हो जाता तो फिर आप जो है वो फिर यहीं रहेंगे, आप अपनी डिमांड ऐसे बढ़ा रहे होंगे, आप इससे नीचे कहीं नहीं जा रहे होंगे, आप यहीं रहेंगे, आपकी डिमांड इसी तरह इनफाइनाइटली इलास्टिक हो जाएगी। यहाँ पे वही बात की गई है कि एक अपर बाउंड्री एक लोअर बाउंड्री। अच्छा अब हम सप्लाई कर्व पे देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ रिजर्व्स कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू कंपोनेंट्स, द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैट आर सप्लाई बाय द फेड ओपन मार्केट ऑपरेशन कॉल्ड नॉन बोरो रिजर्व एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स बोरो फ्रॉम द फेड कॉल्ड बोरो रिजर्व। ये जो फेड है ये वही जो है वो यूएस का जिस तरह हमारा स्टेट और सेंट्रल बैंक है बिल्कुल वैसी है, तो ये वही टर्म्स जो है वो यहाँ पे यूज की गई है। अच्छा अब देखिए ये क्यों कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ रिजर्व्स के भी जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वो रिजर्व्स हैं जो सेंट्रल बैंक आपको सप्लाई कर रहा है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये है नॉन बोरो रिजर्व, यानी कमर्शियल बैंक ने कमर्शियल बैंक कुछ भी बोरो नहीं कर रहा सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक खुद थ्रू ओपन मार्केट परचेज क्या कर रहा है। ओपन मार्केट परचेज में क्या हो रहा होता है, ओपन मार्केट परचेज में सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज परचेज कर रहा होता है सारे पब्लिक से और उनको जो है वो पैसा दे रहा होता है। तो जब बैंक के पास जो सिक्योरिटीज हैं उनको जब सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगा उसके बदले में पैसा दे देगा तो बैंक्स के रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये वो रिजर्व्स होंगे जो कमर्शियल बैंक ने बोरो नहीं किए हुए, उसने नहीं बोरो किए थे, सेंट्रल बैंक ने थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसके रिजर्व्स इंक्रीज कर दिए हैं, तो ये रिजर्व्स कहलाते हैं नॉन बोरो रिजर्व्स जो कि थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। ठीक है अब दूसरे वो रिजर्व्स होते हैं जो कहलाते हैं बोरो रिजर्व्स। ये वो रिजर्व्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहा होता है एट द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट रेट पे जो बोरो कर रहा होता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, ये जो है वो बोरो रिजर्व्स कहलाते हैं। तो बोरो रिजर्व प्लस नॉन बोरो रिजर्व जो है ये टोटल मिलके जो है वो सप्लाई फॉर ऑफ रिजर्व्स बनते हैं। अच्छा बिकॉज बोरिंग फेडरल फंड फ्रॉम अदर बैंक इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बोरिंग। अच्छा अब बोरो करने की भी जो है वो दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप किसी बैंक जो है वो किसी दूसरे बैंक से बोरो करें, या दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है कि वो सेंट्रल बैंक से बोरो करें। अच्छा वो कब दूसरे बैंक से बोरो करेगा और कब जो है वो स्टेट बैंक से बोरो करेगा, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि जब तक डिस्काउंट रेट फेडरल फंड रेट से या मनी मार्केट रेट से ज़्यादा होगा तब तक कोई भी बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक से बोरो करने पे उसे एक्सपेंसिव पड़ेगा, दूसरे बैंक से बोरो करने पे उसे चीपर पड़ेगा। तो जब तक फेडरल फंड रेट जो है वो डिस्काउंट रेट से कम होगा तब तक बैंक्स जो है वो दूसरे बैंक से बोरो करेंगे, स्टेट सेंट्रल बैंक से कोई भी बोरो नहीं करेगा। तो उस पार्ट तक जहाँ पर फेडरल फंड रेट कम है डिस्काउंट रेट से वो सप्लाई कब आपका है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि उसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, फेडरल फंड रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है आपकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट अभी भी अपर लिमिट पर है फेडरल फंड से, तो जब तक वो ऊपर रहेगा फेडरल फंड रेट से तब तक आप कुछ भी बैंक्स कुछ भी बोरो नहीं करेंगे। तो आपका जो सप्लाई कर्व जहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक है वर्टिकल लाइन है, ये वो लाइन है जब फेडरल फंड रेट कम है डिस्काउंट रेट से, तो सब बैंक्स आपस में एक दूसरे बैंक से बोरो कर रहे हैं, कोई भी स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रहा। तो इसलिए ये सप्लाई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, और चूंकि कोई भी सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर रहा तो इस यहाँ जो है वो आपकी जो बोरो रिजर्व है वो क्या है, जीरो है। अभी यहाँ पे सिर्फ आपका कौन सा रिजर्व है, नॉन बोरो रिजर्व, जो कि थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सेंट्रल बैंक ने जो है वो एक तरह से जो है वो आपके रिजर्व इंक्रीज कर दिए, तो आपके पास सिर्फ वो नॉन बोरो रिजर्व है, बोरो रिजर्व आपका जीरो है। लेकिन अगर एक्सट्रीम केसेस में आपका फेडरल फंड रेट जो है वो डिस्काउंट रेट के इक्वल हो जाए या डिस्काउंट रेट से भी ज़्यादा हो जाए, तो अगर फेडरल फंड रेट डिस्काउंट रेट से ऊपर चला गया तो इसका क्या मतलब है कि बैंक से बोरो करने पे एक्सपेंसिव पड़ रहा है और सेंट्रल बैंक से बोरो करने पे चीपर पड़ रहा है। तो सारे बैंक्स क्या कोशिश करेंगे कि वो सेंट्रल बैंक से चीपर रेट पे बोरो करें और उन्हें फिर जो है वो लोन आउट कर दें एक्सपेंसिव रेट पे, तो उन्हें प्रॉफिट हो जाए।
तो जब फेडरल फंड रेट जो है वो ऊपर चला जाएगा डिस्काउंट रेट से, तो फिर यहाँ पे आपकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी अगर थोड़ा सा भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम या ज़्यादा होता है, तो फिर आपकी जो सप्लाई डिमांड है वो आपकी पूरी जीरो हो जाएगी। यानी मतलब ये है कि जब तक डिस्काउंट रेट जो है वो कम रहेगा फेडरल फंड रेट से उस केस में, तब तक आप सबका सब जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे। लेकिन ज़रा सा डिस्काउंट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया फेडरल फंड रेट से, कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेगा, सबके सब जो है वो फिर आपस में बोरो करेंगे और आपका जो सप्लाई कब है वो दोबारा से परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक वाले उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक जहाँ तक शेप है वो आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे फेडरल फंड रेट कम है तो बैंक आपस में बोरो कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर रहे। और जहाँ पे शेप आपका परफेक्टली इलास्टिक आ रहा है उसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे। तो ये तो आपका जो है वो डिमांड सप्लाई एनालिसिस हो गया कि इसको आप किस तरह कर्व्स को जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, डिमांड फॉर रिजर्व्स आपकी कैसे इंक्रीज हो सकती है? अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज हो गया तो इसका क्या मतलब है कि अब ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल बैंक का। इसके इंक्रीज होने से क्या होता है कि अब जो है आपकी रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो गई सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक बोल रहा है अब कमर्शियल बैंक को जो है वो हर डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज मेरे पास रखवाना पड़ेगा। जब ज़्यादा परसेंटेज रखवाना पड़ेगा तो उसके पास कम पैसा बचेगा, एक्सेस रिजर्व जो है उसके पास कम बचेगा। तो जब उसके रिजर्व्स कम होंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी रिजर्व डिमांड को इंक्रीज कर देगा। दूसरा डिमांड डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कंडीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो रिजर्व डिमांड को इंक्रीज करता है कि सब कुछ सेट चल रहा है, लोग जो है वो बैंक को सेफ समझ रहे हैं, उन वहाँ पे पैसे रखवा रहे हैं, वहाँ से लोन ले रहे हैं। तो मार्केट कंडीशन अगर स्टेबल है तो वो डिमांड फॉर रिजर्व इंक्रीज करेगा, अगर स्टेबल नहीं है तो वो डिमांड फॉर रिजर्व जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, कम कर देगा। तो ये रिक्वायर्ड रिजर्व कंडीशन और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम मेन अपने उस पे आ जाते हैं कि किस तरह टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में डिपेंड करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का इफेक्ट किस तरह पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि वेदर द सप्लाई कर्व इनिशियली इंटरसेक्ट्स द डिमांड कर्व इन इट्स डाउनवर्ड स्लोप सेक्शन और इन इट्स फ्लैट सेक्शन। अब ये जो इफेक्ट पड़ेगा ये डिपेंड करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का इफेक्ट कि सप्लाई कर्व डिमांड कर्व पे नेगेटिवली स्लोप पोर्शन से इंटरसेक्ट कर रहा है या फ्लैट सेक्शन से इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों सूरतों में इफेक्ट चेंज हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस केस में पॉलिसी इफेक्टिव है और किस केस में पॉलिसी इनइफेक्टिव है, तो जिस केस में आपका फेडरल फंड रेट चेंज हो रहा होगा उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ जो है वो पॉलिसी इफेक्टिव रही है क्योंकि फेडरल फंड रेट चेंज हो गया है। और जिस केस में आपका फेडरल फंड रेट या मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट इन इफेक्टिव मतलब उस पर कोई जो है वो अपनी जगह रहेगा जहाँ वो पहले था, तो हम बोलेंगे पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है। अच्छा, हम सबसे पहले केस देखते हैं कि जो हमारी फिगर अभी नीचे बनी हुई है और उसमें जहाँ इनिशियली इंटरसेक्शन हो रही है सप्लाई कर्व की डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप सेक्शन पर। अच्छा, अब डाउनवर्ड स्लोप सेक्शन पे ये हमारा जो है वो पैनल है, इस पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये सप्लाई कर्व है ये सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप सेक्शन पे। ठीक है, अच्छा, अब ओपन मार्केट परचेज अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक ने लगाई ओपन मार्केट परचेज पॉलिसी, ओपन मार्केट परचेज में उसने क्या किया कि बैंक्स के पास जो सिक्योरिटीज थी उनसे परचेज कर ली, उन्हें जो है वो पैसा दे दिया, तो बैंक्स के नॉन बोरो रिजर्व्स इंक्रीज हो गए। नॉन बोरो रिजर्व्स इंक्रीज हो गए तो ये सप्लाई ऑफ रिजर्व्स की एक पार्ट है नॉन बोरो रिजर्व। तो जब नॉन बोरो रिजर्व इंक्रीज हुआ तो सप्लाई कर्व जो है ये आपका वर्टिकल सेक्शन ये इंक्रीज होके आगे चला गया। ये आपकी लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट रेट ऑन डिस्काउंट की अपर लिमिट है, अभी इस पर कोई चेंजिंग नहीं की सेंट्रल बैंक ने, अभी सिर्फ उसने नॉन बोरो रिजर्व्स इंक्रीज कर दिए। रिजर्व्स की सप्लाई इंक्रीज हुई तो हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसका रेट जो है वो या उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो
तो रिजर्व्स की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो जब सप्लाई ऑफ रिजर्व्स इंक्रीज हुई तो फेडरल फंड रेट क्या हुआ, पहले आपका फेडरल फंड रेट यहाँ था, रिजर्व सप्लाई के इंक्रीज होने पे आपका फेडरल फंड रेट डिक्रीज होके जो है वो इस पॉइंट पे आ गया। तो चूंकि आपको फेडरल फंड रेट चेंज हो रहा है तो अब आप बोलेंगे कि आपकी जो ये पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी ये इफेक्टिव रही है। अच्छा, अगर आप इसके कन्वर्सली जो है वो आप ये देख लें, ओपन मार्केट सेल देख लें, ओपन मार्केट सेल में जो है वो क्या होगा, सिर्फ सिंपल ओपन मार्केट सेल में ये होगा कि आपका जो बैंक क्या करेंगे, सिक्योरिटीज जो है वो सप्लाई कर देंगे, बैंक सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सप्लाई कर देगा, कमर्शियल बैंक जो है वो उसको परचेज करके पैसे उसके बदले में सेंट्रल बैंक को दे देगा। तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो नॉन बोरो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, यानी यहाँ परचेज में आपकी नॉन बोरो रिजर्व की लाइन आगे गई है, सेल में आपकी नॉन बोरो रिजर्व की लाइन पीछे जाएगी और आपका इंटरेस्ट रेट इसमें डिक्रीज हुआ उसमें उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में आपका सप्लाई कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व के फ्लैट पोर्शन पे, डिमांड कर्व के फ्लैट पोर्शन पे चूंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसलिए सप्लाई ऑफ रिजर्व्स इंक्रीज होने के बावजूद इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पहले से ही बहुत अपने जो है वो लोअर लिमिट पर आया हुआ, यानी इंटरेस्ट रेट ऑन रिजर्व्स के इक्वल हुआ हुआ इंटरेस्ट रेट ऑन फेडरल रेट। तो चूंकि ये पहले से ही जो है वो इतना कम है तो सप्लाई ऑफ रिजर्व के इंक्रीज होने के बाद भी जो है इस इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में चूंकि आपका फेडरल फंड रेट और मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये पॉलिसी आपकी जो है वो इनइफेक्टिव रही है। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट लेंडिंग पे। द इफेक्ट ऑफ अ डिस्काउंट रेट चेंज डिपेंड्स ऑन वेदर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व इन इट्स वर्टिकल सेक्शन और इट्स स्लैंट सेक्शन। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है आपके, इसके भी दो केसेस हैं डिस्काउंट रेट के, कि आपका डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के वर्टिकल सेक्शन पर इंटरसेक्ट कर रहा है या फ्लैट सेक्शन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व के वर्टिकल सेक्शन पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर वर्टिकल सेक्शन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के वर्टिकल सेक्शन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है वो फेडरल फंड रेट जो है वो डिस्काउंट रेट से कम है। चूंकि आपका फेडरल फंड रेट डिस्काउंट रेट से कम है तो यहाँ पे आपका बोरो रिजर्व जो है वो जीरो है, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से बोरो करने पर उसे एक्सपेंसिव पड़ेगा। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट रेट कम कर दिया। तो अगर उसने डिस्काउंट रेट कम कर दिया और कम उसने इतना किया कि स्टिल अभी वो फेडरल फंड रेट से ऊपर ही है, तो इस केस में भी बोरो रिजर्व जो है वो स्टिल अपनी जगह पे रहेंगे, कोई इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी जो है वो फेडरल फंड रेट कम है डिस्काउंट रेट से, तो कोई भी बैंक जो है वो अभी भी सेंट्रल बैंक से कुछ भी बोरो नहीं करेगा। तो स्टिल बोरो रिजर्व्स आपके जीरो रहेंगे, फेडरल फंड रेट में कोई चेंज नहीं आएगी और आपकी पॉलिसी इनफेक्टिव रहेगी। हाँ, अगर ऐसा हो कि उसने कम करके इतने कर दिए कि यहाँ आ गए, यानी फेडरल फंड रेट से भी नीचे चले गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपके बोरो रिजर्व इंक्रीज होंगे और फिर आपका फेडरल फंड रेट सप्लाई ऑफ रिजर्व के ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक ये डिस्काउंट रेट ऊपर रहेगा फेडरल फंड रेट से, तब तक आपका बोरो रिजर्व जीरो रहेगा और आपके इसी वजह से फेडरल फंड रेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व के फ्लैट सेक्शन पे, फ्लैट सेक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हम बता रहे हैं आपको कि इंटरेस्ट रेट ऑन फेडरल फंड रेट इक्वल है इंटरेस्ट रेट ऑन डिस्काउंट के, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो अपनी अपर बाउंड्री पर है। अब चूंकि अपर बाउंड्री पर है, इस केस में अगर डिस्काउंट रेट सेंट्रल बैंक कम करता है तो आपकी ये जो लाइन है अपर लिमिट की, ये नीचे आएगी, और ये नीचे आई अभी आपका फेडरल फंड रेट ऊपर ही है, डिस्काउंट रेट गिरा दिया सेंट्रल बैंक ने, उसने जैसे ही डिस्काउंट रेट गिराया तो क्या हुआ कि मनी मार्केट रेट से ज़्यादा कम क्या हो गया, चीपर डिस्काउंट रेट। तो अब बैंक के लिए क्या प्रॉफिट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करें और फिर यहाँ मार्केट में जो है वो एक्सपेंसिव रेट पर जो है वो उसे लोन आउट कर दें। तो सबके सब क्या करेंगे, सबके सब जो है वो बैंक से सेंट्रल बैंक से बोरो करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका बोरो रिजर्व कितना था, इतना, जैसे ही डिस्काउंट रेट आपका कम हुआ आपने बोरो रिजर्व अपना मजीद बढ़ा दिया और बोरो रिजर्व आपका इतना बढ़ गया। चूंकि सप्लाई ऑफ रिजर्व आपके इंक्रीज हो गए हैं, अब इस वजह से आपका फेडरल फंड रेट भी जो है वो पहले यहाँ था और अब वो डिक्रीज होके यहाँ आ गया है, तो इस केस में आपका पॉलिसी आपकी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव है।
ठीक है, अब हमारी थर्ड पॉलिसी आती है रिजर्व रिक्वायरमेंट पॉलिसी. व्हेन द रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो इंक्रीजेज, रिक्वायर्ड रिजर्व इंक्रीज एंड हेंस द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स डिमांडेड इंक्रीज. जब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है, यानी हर डिपॉजिट का अब आपको ज़्यादा परसेंटेज रखवाना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो गई है, तो बैंक्स के पास जो है वो कम रिजर्व बचेंगे, और कम रिजर्व की वजह से वो अब अपनी रिजर्व डिमांड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा. तो अगर इसको सिंपल वैसे ऐसे देख लें कि अगर जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गए, तो अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गए तो बैंक्स क्या करेंगे, अपनी रिजर्व डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, और रिजर्व डिमांड को इंक्रीज करने की वजह से उनके फेडरल फंड रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस इंक्रीज होती है. तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि प्राइस यहाँ पे रिजर्व की प्राइस क्या है, फेडरल फंड रेट. अच्छा, अब लास्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स. द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द फेड ऑन रिजर्व डिपेंड ऑन वेदर द सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स द डिमांड कर्व इन इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन और इट्स फ्लैट सेक्शन. अब इसके भी हमारे पास दो केसेस हैं. जो इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक एक्सेस रिजर्व पे आपको पे कर रहा है बैंक को, उस पर उसका उसके चेंज करने पर इफेक्ट पड़ेगा. इसकी दो कंडीशन है कि सप्लाई कर्व जो है वो डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फ्लैट सेक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसके भी दो केसेस देख लेते हैं हम. पहला केस कि अगर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के जो है वो वर्टिकल सेक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर सेंट्रल बैंक एक्सेस रिजर्व को इंक्रीज करता है, तो एक्सेस रिजर्व को इंक्रीज कर मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व को इंक्रीज किया कि आप पहले जो इंसेंटिव दे रहा था कि बैंक्स एक्सेस रिजर्व रखेंगे तो उन्हें जो है वो इतना इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, अब उसने इंक्रीज करके उसे इतना कर दिया, यानी उसने इंसेंटिव बढ़ा दिया. अब लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, स्टिल जो है वो फेडरल फंड रेट जो है वो स्टिल ऊपर है डिस्काउंट रेट से, यानी अभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है. अभी भी जो है वो आपका लोन आउट करने पे आपको ज़्यादा मिल रहा है और एक्सेस रिजर्व रखने पे जो है वो आपको कम मिल रहा है, तो आपका ये लाइन आपकी लिमिट ऊपर चली जाएगी, लोअर लिमिट ऊपर चली जाएगी, लेकिन फेडरल फंड रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पॉलिसी इनफेक्टिव रहेगी. सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सप्लाई कर्व डिमांड कर्व के फ्लैट हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पहले भी जो है वो क्या था, इंटरेस्ट रेट अपने जो है वो लोअर लिमिट पे था. किसके इक्वल था, इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व के इक्वल था. अब जब ये इसको इंक्रीज कर देगा, तो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व को जब वो इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा कि बैंक्स अपनी जो है वो रिजर्व डिमांड इंक्रीज कर देंगे और सबके सब क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे पैसा अपने पास, क्योंकि होल्ड रखने पे उन्हें जो है वो ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. तो जब वो अपनी रिजर्व डिमांड को इंक्रीज कर देंगे तो फेडरल फंड रेट भी साइमल्टेनियसली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट लेक्चर था. तो बहुत आसान है, आप एक दफ़ा इसको ओवरऑल जो है वो रीड करेंगे तो आपको सारे केसेस जो हैं वो आ जाएंगे. तो कोशिश करें कि आपने जैसे ओपन मार्केट परचेज पढ़ा है, सेल का भी मैंने बता दिया था, तो पॉलिसीज़ को चेंज कर करके जो है वो इफेक्ट देखें कि कब पॉलिसी इफेक्टिव हो रही है और कब पॉलिसी इफेक्टिव हो रही है.